चंडीगढ़ में आज मेयर चुनाव होने हैं। आज नया मेयर मिलेगा, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर जो है चुनाव होने हैं। सबसे पहले मेयर को लेकर वोटिंग शुरू होगी। नगर निगम असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे वोटिंग शुरू होगी सीनियर डिप्टी मेयर और फिर डिप्टी मेयर के लिए जो है वोट डाले जाएंगे। तो बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करवाई जाएगी। अनिल मसीह को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर जो है वोटिंग होनी है। सुबह 11 बजे ये वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। चंडीगढ़ में आज मेयर चुनाव होना है और चंडीगढ़ में जो है अब नया मेयर चंडीगढ़ को मिल जाएगा। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की जो है वोटिंग होनी है। सबसे पहले मेयर को लेकर जो है वोटिंग शुरू होगी। नगर निगम असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी सीनियर डिप्टी मेयर और फिर डिप्टी मेयर के लिए जो है वोट डाले जाएंगे। बैलेट पेपर के माध्यम से ये वोटिंग करवाई जाएगी और अनिल मसीह को जो है चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो आज चंडीगढ़ में वोटिंग है मेयर चुनाव को लेकर जो है सुबह 11 बजे ये वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी और तमाम तरह के जो इंतजाम है वोटिंग को लेकर भी कर लिए गए हैं। तो नया मेयर चंडीगढ़ को मिल जाएगा। तो पहले जो है मेयर के लिए वोटिंग शुरू होगी, 11 बजे ये वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरसिमरत फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हरसिमरत, आज जो है मेयर चुनाव होना है, किस तरह की तैयारियां हैं, किस समय वोटिंग शुरू होगी, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज मेयर चुनाव जो है वो होने वाला है और इसे आने वाले 3 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आज का जो चुनाव है वो दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसमें इंडिया गठबंधन जो है वो खुलकर सामने आया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है एक ही खेमे से लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने जो अपना दावेदार था मेयर पद का वो वापस ले लिया और वहीं आम आदमी पार्टी ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जो उनके दावेदार थे उनके नाम वापस ले लिए। तो इंडिया गठबंधन के तौर पर ये उभर कर सामने आ रहा है। वहीं 11 बजे वोटिंग शुरू होगी, पर उससे पहले दिलचस्प ये देखना रहेगा कि जिस तरह से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने मेयर क्रॉस वोटिंग होने के डर से पंचकूला ले गई, वहीं पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, पार्षद हैं, वो सारे के सारे रोपड़ एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। तो उनका वहां से आना जो है वो कब तक सुनिश्चित हो पाएगा? वहीं जो एक पार्षद जो कि कांग्रेस के हैं जसवीर बंटी, उनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था तो वो भी वहां से घर से निकलेंगे। तो ऐसे में वो किस तरह से पहुंचेंगे, क्योंकि पिछली बार जब नामांकन प्रक्रिया थी तब देखा गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वो सभी पंजाब सरकार की गाड़ियों में आए थे, यानी कि पूरा दबदबा रहा जिस प्रकार से देखा गया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो चंडीगढ़ में कम्पीट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें जो है देखने में बड़ी दिलचस्प होंगी कि आखिरकार ये कैसे वहां से निकल के आते हैं, सभी इकट्ठे आते हैं नहीं आते। पर उससे बड़ी जो चुनौती होगी वो होगी वोटिंग की। 11 बजे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद पहले मेयर के लिए, फिर सीनियर डिप्टी मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए जो चुनाव है वो होने हैं। आपको ये बताएं कि फिलहाल पार्षदों की गिनती जो है वो 35 है और बहुमत जो है वो 19 के साथ जाएगा। वहीं पर अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की बात करूं तो उनके पास 13 वोट है और एक सांसद है। और वहीं पे अगर बात की जाए तो एक श्रोमणी अकाली दल का है और इसके अलावा 7 कांग्रेस के और 13 जो है तकरीबन 14 जो है तकरीबन वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के रहेंगे। इसी तरह से आपको बता दें कि अलायंस के बाद उनकी जो गिनती है वो 20 हो जाएगी और 19 के पास बहुमत होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इनमें से कुछ वोट जो है वो क्रॉस वोट होने का खतरा है। दबी जबान से ये बातें जो है वो सामने आ रही हैं कि कांग्रेस जो है वो इस अलायंस से खुश नहीं है और क्रॉस वोटिंग का डर जो है वो पार्टी को भी सता रहा है। ऐसे में देखना होगा कि ये जादुई आंकड़ा जो है मेयर बनाने का वो आखिर कौन छू पाएगा। आपको ये भी बताएं कि पिछले 2016 से भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर जो है वो बनता हुआ यहाँ पर आ रहा है, पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल जो है बीजेपी को दिखाई पड़ रही है क्योंकि इस बार यहाँ पर इंडिया अलायंस जो है वो हो चुका है। जी जी हरसिमरत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।